अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम हैदराबादी खीमा बिरयानी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेंगी और बहुत ही आसानी के साथ। जिसके लिए हम बासमती चावल ले लिए 1 किलो, इसको भिगा लिए हम। खीमा ले लिए हम मटन का, इसमें कोई भी ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। हम ये 1/2 किलो लिए, इसको धो के साफ रख लिए। प्याज लिए हम 200 ग्राम, इसको काट के रख लिए। मसालों में 2 चमचे लाल मिर्ची पाउडर लिए हम, अदरक लहसुन लिए 1 चमचा बड़ा, नमक लिए 1 चमचा बड़ा वाला, और गरम मसाला 1/2 चमचा लिए, काली मिर्ची पाउडर 1/2 चमचा लिए, हल्दी पाउडर 1/2 चमचा लिए। ये खड़े मसाले लिए हम, शाहजीरा लिए 1/2 चमचा, 2 इलायची और दालचीनी लिए हम 2, और इसमें भी शाहजीरा है, 2 इलायची, लौंग, शाहजीरा है। ये खाने में डालेंगे हम, ये इसमें डालेंगे, खेमे में डालेंगे। नींबू लिए हम 2 क्यूब है ये नींबू के, ये भी हम इसमें डालेंगे। गरम मसाला, दही लिए हम 150 ग्राम। अभी हम स्टार्ट करेंगे। खीमा डाल लिए हम, सारे मसाले इसमें डाल लेंगे। अभी दही भी डाल लेंगे, इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। लेमन के क्यूब भी डाल लेंगे, फ्रेश है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये मिक्स हो गया अच्छे से, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। कढ़ाई रख लिए हम, इसमें 150 ग्राम तेल डाल लिए हम, इसको अभी फ्राई करेंगे। प्याज प्याज हमारी जल्दी फ्राई हो, इसके लिए थोड़ा नमक डाल देंगे हम, जल्दी लाल होती है इससे। इसको फ्राई करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी हमारी प्याज अच्छे से लाल हो गई, इसमें से हम थोड़ी निकाल लेंगे, इसकी साइड में रख लेंगे हम। अभी हमारा जो कीमा हम मैरिनेट करके रखे थे वो डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और जो कोथिंबीर पुदीना हरी मिर्ची हम बताए थे ये भी डाल लेंगे। आज मैं अपनी बहन के घर पे हूँ, मेरे भांजे जैन अब्दुल्ला की फरमाइश है कि खीमा बिरयानी बने, इसलिए आज हम खीमा बिरयानी बना रहे हैं। सेटअप मेरा चेंज है। चलिए अभी इसको हम पकने देंगे। हम एक भगोना रख लिए, इसमें हम पानी डाल लेंगे चावल पकाने के लिए। 2 से 3 लीटर पानी हम डालेंगे इसमें। जो मसाले हम रखे थे, तेज पत्ता डालेंगे इसमें 2 से 3, और ये सारे मसाले भी डाल देंगे। दो चमचे इसमें डाल लेंगे, इसको पकने देंगे। पक गया, हम चावल डाल लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम पुदीना भी डाल लेंगे इसमें। अभी इसको पकने देंगे। हमारा चावल अभी हो गया 80% पकना है इसको, अभी हम इसको निकाल लेंगे। चावल डाल लेंगे हम इसमें, पहले लगाएंगे हम अभी इस तरह से। हमारा खीमा भी रेडी है, इसको भी हम डाल देंगे इस पर। इस तरह से फैलाते हुए डालना है हमको। फिर से हम चावल डालेंगे, सारे फैलाते हुए डालना है हमको। फिर से हम खीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। जो चावल है बाकी के ये भी डाल देंगे, इसको भी सारा हम इस तरह से फैला देंगे। कोथमीर पुदीना डाल लेंगे हम, जो हम रखे थे। दरिस्ता भी डाल लेंगे,
कलर भी डाल लेंगे हम, और घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तेल डालूँ गरम करके, अभी इसको दम पे हम रख देंगे। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे दम होने के लिए, इसके बाद मैं आप लोग को डिश आउट करके बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी अभी दम होके तैयार है। माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले बने हमारे चावल, बहुत अच्छे बने। अभी हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बहुत अच्छी बिरयानी बनी है ये। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से हसब ज़रूरत डाला जा सकता है, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी पे है। बहुत भी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली डिश है ये। देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी अभी दम होके तैयार है। माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले बने हमारे चावल, बहुत अच्छे बने। अभी हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बहुत अच्छी बिरयानी बनी है ये। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से हसब ज़रूरत डाला जा सकता है, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी पे है। बहुत भी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली डिश है ये। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी हैदराबादी खीमा बिरयानी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग भी बनाइए ज़रूर। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों में कमेंट्स कीजिए। जज़ाक अल्लाह। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी हैदराबादी खीमा बिरयानी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग भी बनाइए ज़रूर। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों में कमेंट्स कीजिए। जज़ाक अल्लाह।